सब्सक्राइब करें, संकोच नहीं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोग के। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी एंड सेफ। चलिए आज की बात करते हैं। आज सैटरडे है, आज मेरा छुट्टी है, तो मैं बाहर आया हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह दिखाने। इस जगह का नाम है ओबरा होलोदने, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ओक फॉरेस्ट। ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये शहर से सिर्फ 15-20 मिनट दूर है, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा ये इतना बड़ा फॉरेस्ट है। यहाँ पर आपको वाइल्ड एनिमल्स नहीं बोलूँगा, मतलब डियर है, वाइल्ड बोट्स ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पर छोटा सा लेक भी है। तो चलिए, ठंड आ चुका है चेक रिपब्लिक में, अभी भी प्रॉपर पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा है। अभी मैं इस फॉरेस्ट पार्क के बाहर हूँ, एंड गाइज दिस इज ओबरा होलोदने। चलिए चलते हैं। ये पार्क 24/7 ओपन रहता है, पर जनरली क्योंकि ठंड आ चुकी है, आफ्टरनून के समय ज़्यादा भीड़ होती है। एंट्री करते ही देखिए ओक ट्रीज से भरा हुआ है, और देखिए नज़ारे। एंट्री करते ही देखिए आपको यहाँ पर चिल्ड्रंस जो छोटा सा पार्क वगैरह है वो मिल जाएगा देखने के लिए। तो चलिए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। क्या ही चाहिए आपको लाइफ में, सुबह सुबह इतनी प्यारी जगह में आपको वॉक करने मिल रहा है, मज़ा ही मज़ा है। आई थिंक वो स्क्विरल जा रहा है। एक यहाँ पर आई थिंक वाइल्ड बोट्स रहते हैं, बट इस सुबह के टाइम में वो बाहर नहीं आएंगे, थोड़ी देर में ट्राई करते हैं। देखिए एक छोटा सा बेंच जैसा बना हुआ है, यहाँ पर बैठिए, एक बुक पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए इस शांति वाले वातावरण में। आपको और क्या चाहिए लाइफ में। गाइस जनरली सुबह ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन आप अगर देखिए दो एंटीलोप बोलते शायद, या पता नहीं कौन सा एनिमल है, रेनडियर बोलते हैं, मेरे सामने चल रहे हैं ये फॉरेस्ट में। देखिए और इतना सुंदर नज़ारा आपको मिलेगा नहीं देखने के लिए। पता नहीं हार्मफुल है कि नहीं, मैं पास नहीं जा रहा हूँ, सिंग उनके इतने बड़े बड़े हैं, बट नेचर के इतने पास आप हो, और वो भी शहर से जस्ट 15-20 मिनट दूर, यकीन नहीं होता, अमेजिंग। वहाँ दूर में मुझे वाइल्ड बोर्स दिख रहे हैं, आई थिंक 3-4 बोर्स है, उनके बच्चे भी है। सुबह का टाइम है, एज यूजुअल मड में मस्ती कर रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। सुबह का टाइम है, यहाँ पर एक भी बंदा नहीं है मेरे अलावा, इसलिए थोड़ा और मज़ा आ रहा है। एक व्यू दिखाता हूँ आपको कंप्लीट।
थिंक यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है कैंपिंग के लिए। अगर आप चेक रिपब्लिक या बर्नो में रहते हैं तो बर्नो में आने के बाद आंथ्रोपोज बोल के एक जगह है, वहाँ से 52 नंबर बस आपको डायरेक्ट पहुँचा सकती है यहाँ पर। आपको कोई उबर ओला करने की ज़रूरत नहीं है, ओला तो यहाँ पर है भी नहीं, उबर करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट ये पहुँचा देगी। चलिए गाइस थोड़ा ऊपर चढ़ के देखते हैं जंगल के बीच में जाके कैसा लगता है। ओके, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं भरपूर पेड़ ही पेड़ है। आई थिंक यहाँ पर ही सारे डियर्स वगैरह अपना बात लेते होंगे। भाई साहब को हमने पकड़ लिया है, ये ऐसा लग रहा है कि पोज देने के लिए ही यहाँ पर है। बाकी साथी मुझे देख के भाग गए, बट ये अभी भी है। आइदर ये मुझे मारना चाहते हैं या पोज देने के लिए है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है जो भी है। ये अब अपने बाकी हुए साथी को मिलने के लिए जा रहे हैं। इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नहीं तो अपनी कोई लगेगी उनकी सिंग, सो जाने देते हैं। चलिए आपको मैं हेवन दिखाता हूँ, और ये लिटरली गेटवे टू हेवन है। सामने गेट दिख रहा है, इसको अपने को ओपन करना है। लेट मी डू इट फॉर यू गाइस। अभी आपको सामने एक टनल दिख रहा होगा, टनल क्रॉस करते ही लिटरली हेवन है उधर। चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ। जो आपके डार्क टाइम्स होते हैं या बैड टाइम्स होते हैं, तो आपको एक होप की ज़रूरत होती है। ये एक रे ऑफ होप है, उसी को सिंबलाइज किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली फार्मिंग होती है, आपको बहुत सारे खेत वगैरह दिखेंगे।
बीच में रोड बनाया गया है ताकि यू कैन टेक ए वॉक, साइकिलिंग भी कर सकते हैं और दूर दूर तक आपको सिर्फ खेत ही नज़र आएगा। देखिए और पास लेके चलता हूँ, पता नहीं कौन सा क्रॉप है ये, बट बहुत ही प्यारा है। दूर दूर तक देखिए आपको बस यही दिखेंगे और यहाँ पर वॉक करने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम पीसफुल। लास्ट टाइम मैं इस जगह पे समर्स के टाइम पे आया था और ये जो क्रॉप जितने कटे हुए दिख रहे हैं अभी, उस समय फुल फसलें उगी हुई थी, दूर दूर तक सिर्फ ग्रीनरी ही दिख रही थी, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था उस टाइम पे। अभी भी है बट उस टाइम की बात कुछ और थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जगह को देख के जैसे हर मूवीज़ जो फाइटिंग वाली होती है ना, ओल्ड एंशंट टाइम्स की, लाइक 300, ब्रेव हार्ट, ग्लैडिएटर, उस हर मूवीज़ में एक सीन ऐसी जगह, इस टाइप की जगह में शूट जरूर होती है। देखिए आपसे बात करते करते वहाँ पर सनराइज़ हो रहा है, अमेजिंग व्यू, कोहरे के बीच में आपको सन उगता हुआ दिख रहा है, बहुत प्यारी जगह। वैसे वो जगह जो दिख रहा है ना, जहाँ तीन पेड़ दिख रहे हैं, शाम के टाइम पे थोड़ा डरावना लगता होगा वो, अगर आप ट्री के स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे और आपने कंज्यूरिंग मूवी देखी है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर फसलें अभी भी लगी हुई है तो मैं यही आपको कहना चाह रहा था उस टाइम पे। सो गाइज, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, आपको मतलब बताना पड़ेगा कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है कि नहीं, तभी मोटिवेशन मिलता है। सो गाइज, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। There's not much to do when all I can is thinking about you.